स्टूडेंट्स, आरजी एजुकेशन हबानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी कि द्विवेदी जी ने कुतर्कियों का, बुरे विचार प्रकट करने वाले विरोधियों का, अपने शैली के माध्यम से, अपनी भाषा शैली के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से क्या किया था, खंडन किया था। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपको बताएंगे कि द्विवेदी जी ने विरोधियों को और क्या क्या कहा है, उनको समझाने की पूरी कोशिश की है कि प्राचीन समय में भी स्त्रियां पढ़ी लिखी हुआ करती थी जैसे आज। प्राचीन समय में भी स्त्रियां ऊंचे ऊंचे पदों पर जाया करती थी, ऊंचे पदों पर सुशोभित थी जैसे आज। देखिए, पेज नंबर 63 निकालिए सभी ध्यान पर, अपने पेज नंबर 63 पर देखेंगे। न्यायशीलता की बलिहारी, न्यायशीलता, न्याय होती है, बलिहारी होती है, बलिहारी सब कुछ अर्पण करने वाला, सब कुछ छोड़ने वाला, सब कुछ त्यागने वाला। वेदों को प्राय, प्रायकार होता है अक्सर, सभी हिंदू ईश्वर कृत मानते हैं। ईश्वर कृत, ईश्वर का अर्थ है ईश्वर, कृत का मतलब होता है द्वारा रचित, ठीक है। यानी हिंदू मानते हैं कि वेदों की रचना किसने की है, ईश्वर ने की है। तो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी क्या समझे पा। देखिए, कठिन शब्दों के अंतर्गत ककहरा शब्द है, क्या है, ककहरा, ठीक है। ये प्रारंभिक ज्ञान होता है, क्या होता है, ये प्रारंभिक ज्ञान होता है जिसमें हम बात करते हैं कै, खै और गै, ये प्रारंभिक ज्ञान होता है। देखिए, कहने का मतलब है, द्विवेदी जी कहते हैं कि ईश्वर तो वेद मंत्र, वेद मंत्रों की रचना, उनका दर्शन विश्ववरा जो प्राचीन समय की विदुषी रही है, ठीक है, स्त्री रही है, आदि से करावे और हम उन्हें यानी स्त्रियों को पढ़ाना भी, प्रारंभिक ज्ञान देना भी क्या समझते हैं, पाप समझते हैं। शीला और विद्या कौन थी, द्विवेदी जी ने विरोधियों से प्रश्न किया कि बताओ ये शीला और विद्या कौन थी। देखिए, शीला और विद्या कौन थी, प्राचीन समय की पढ़ी लिखी स्त्रियां थी जिन्हें हम विदुषी कह सकते हैं, स्त्री थी या नहीं। फिर प्रश्न करता है द्विवेदी जी कि वे शीला और विद्या प्राचीन समय की पढ़ी लिखी, ठीक है, सुशिक्षित स्त्रियां थी या नहीं। बड़े बड़े पुरुष कवियों से क्या हुई है, आदृत, आदृत शब्द का अर्थ है सम्मानित, यानी शीला और विद्या सुशिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी, विदुषी थी और वे बड़े बड़े पुरुष कवियों से क्या हुई है, प्राचीन काल में सम्मानित हुई है, जैसे आज सम्मानित होती है स्त्री। सांगधार पद्धति में एक ग्रंथ का नाम है, सांगधार पद्धति में उनकी कविता के नमूने यानी उदाहरण है या नहीं, बार बार प्रश्न कर रहा है द्विवेदी जी, विरोधियों को नीचा दिखाने का कार्य कर रहा है कि बताइए सांगधार पद्धति में उनके प्राचीन समय की पढ़ी लिखी स्त्रियों के उदाहरण है या नहीं। बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम पहले आ चुका है त्रिपिटक, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत जो थेरी गाथा है, कोई कहानी होगी, कोई गाथा का वर्णन किया गया होगा, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद रचना उद्धृत है, उद्धृत का मतलब होता है रचित, उद्धृत का मतलब है रचित, वे क्या अनपढ़ थी, यहां पे प्रश्न किया है। द्विवेदी जी कहते हैं कि त्रिपिटक के अंतर्गत जो थेरी गाथा चलती है उसमें सैकड़ों स्त्रियों ने अपनी कविता रची है, अपना, अपनी कला दिखाई है, अपना कौशल दिखाई है, अपनी क्षमता दिखाई, अपना हुनर दिखाया है उन्होंने, क्या वो सब अनपढ़ थी। जिस भारत में, और आगे ले जाता है द्विवेदी जी उनको, जिस भारत में कुमारिकाओं को, कुमारिका कहा गया है यहाँ कन्याओं को, लड़कियों को, जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने की कला सीखने की आज्ञा थी, तो क्या उनको पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं थी। बात स्पष्ट है कि प्राचीन काल में लड़कियों को सभी कार्यों की आज्ञा थी, जैसे वह फूल चुन सकती है, हार बना सकती है, गा सकती है, बजा सकती है, ठीक है, या फिर चित्र बना सकती है, नाच सकती है, तो क्या उन्हें पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं थी, अर्थात पढ़ने लिखने भी क्या थी, आज्ञा थी। कौन विज्ञ, विज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानी, विज्ञ का अर्थ क्या होता है, ज्ञानी। कौन विज्ञ ऐसी बात अपने मुख से निकालेगा, पहली बात तो निकाल नहीं सकता ज्ञानी तो, और निकालेगा भी तो उसकी बात को कौन मानेगा। इसी प्रसंग को
द्विवेदी जी और स्पष्ट करने के लिए और क्लियर करने के लिए समझाने के लिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से और पेश कर रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखें। अत्रेय की पत्नी, अत्रेय की पत्नी पत्नी धर्म, पत्नी धर्म शब्द है, समस्त पद है पत्नी धर्म। इसको हम कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद, ठीक है। इसका समास विग्रह होगा पत्नी का धर्म, किसका धर्म, पत्नी का धर्म। ये कहां कहां से आया, ये विभक्ति है, इस विभक्ति का यह लोप था। समास है इसमें संबंध तत्पुरुष से समास, कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष से समास, ठीक है। क्यों, क्योंकि तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, कौन सा पद, उत्तर, यानी सेकंड जो पद होता है वो प्रधान होता है दूसरा पद, क्योंकि पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। संबंध, संबंध की विभक्ति क्या होती है, काके की रारेरी और नाने। तो पत्नी धर्म, चलिए अपने मूल स्थान पर, अत्रेय की पत्नी पत्नी धर्म यानी पत्नी के धर्म पर व्याख्यान, व्याख्यान का मतलब होता है भाषण देना। भाषण देते समय घंटों, कई घंटों तक पांडित्य विद्वता प्रकट करें। देखिए कहने का मतलब है कि प्राचीन जमाने में अत्रेय की पत्नी थी, उसने पत्नी का क्या धर्म होता है विषय पर घंटों तक क्या दिया था, भाषण दिया था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि प्राचीन समय की बात है, यदि वह अनपढ़ और गवार होती तो सीधी सी बात है कि घंटों तक भाषण नहीं दे सकती। तो बात का निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन जमाने में भी स्त्रियां पढ़ी लिखी हुआ करती थी। गार्गी एक स्त्री का नाम है जिसके नाम पर आज पुरस्कार प्राप्त होता है। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दी। गार्गी ने अपने पांडित्य से, अपनी विद्वता से, अपने कला कौशल से बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हराया। साथ ही मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी, मंडन मिश्र कोई विद्वान का नाम है, प्राचीन समय का कोई रहा है विचारक, मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी, सहधर्मचारिणी पत्नी का पर्यायवाची है। शंकराचार्य के छक्के छुड़ाए, छक्के छुड़ाना यानी परास्त करना, मुहावरेदार शैली का प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब है कि मंडन मिश्र की जो पत्नी थी उसने शंकराचार्य के क्या छुड़ाए थे, छक्के। जब मंडन मिश्र की पत्नी और शंकराचार्य का आमना सामना हुआ था तो मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को परास्त कर दिया था। गजब, इससे अनोखी बात और क्या हो सकती है। बात स्पष्ट हो चुकी है, अनेक उदाहरणों के माध्यम से द्विवेदी जी ने उनको समझाने की कोशिश की है कि ये सभी स्त्रियों के नाम हैं, यदि वो अनपढ़ और गंवार होती प्राचीन जमाने में तो क्या इस प्रकार के कर्तव्य, इस प्रकार के कार्य कर सकती थी, एक ऋषि, एक बड़े ब्रह्मादि को परास्त करने में क्या वो समर्थ हो सकती थी, अर्थात नहीं। इससे अधिक भयंकर, भयंकर यानी खतरनाक बात और क्या हो सकेगी। यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, नैवे पढ़ती नैवे पूजनीय पुरुषों का क्या करती मुकाबला। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही क्या कुफल है। देखिए इसमें विरोधी कहते हैं कि यह उनके पढ़ने का परिणाम है, यदि वो प्राचीन जमाने में पढ़ी लिखी नहीं होती तो इस प्रकार से पुरुषों का सामना नहीं करती और पूजने पुरुषों का मुकाबला नहीं करती। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट, कालकूट जहर का पर्यायवाची है, और पुरुषों के लिए पढ़ना, पुरुषों के लिए पीयूष की क्या है, घूट है। पीयूष शब्द का होता है अमृत, और कालकूट का अर्थ है जहर। देखिए यह कथन द्विवेदी जी का है कि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट है, यदि स्त्रियों को पढ़ा दिया जाएगा तो बहुत बुरा कार्य हो जाएगा, उनकी पढ़ाई जहर के समान है, और पुरुष शिक्षा किसके समान है, पीयूष की घूट के समान। ये द्विवेदी जी का कथन है। कहने का मतलब व्यंग्यात्मक शैली है इसमें, कौन सी शैली है, व्यंग्यात्मक शैली यानी व्यंग्य किया है, करारा प्रहार इसमें किया गया, कड़ी चोट की है कि स्त्री शिक्षा तो कालकूट के समान है, जहर के समान है, और पुरुष शिक्षा किसके समान है, पीयूष की घूट के समान। कहने का मतलब है क्या इस प्रकार से देश का विकास होगा, अर्थात कभी नहीं होगा।
ऐसी ही दलीलों का, ऐसी ही विचारों का और दृष्टांतों का, दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण, दृष्टांत शब्द का अर्थ क्या होता है उदाहरण। ऐसे ही विचारों और उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग किसको कहा गए, विरोधियों को, स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का क्या बढ़ाना चाहते हैं, गौरव। वो गौरव नहीं बढ़ाना चाहते, विपरीत कार्य करना चाहते हैं, देश को पीछे लाना चाहते हैं, देश को हानि पहुंचाना चाहते हैं। देश का गौरव तभी बढ़ेगा कि जिस प्रकार से हम पुरुष शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं उसी प्रकार से स्त्री शिक्षा को क्या देंगे, बढ़ावा। इसके बाद हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी। वेदी जी कहते हैं विरोधियों से कि चलो मान लेते हैं कुछ समय के लिए, यह कथन सत्य नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि प्राचीन जमाने में एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी। नहीं सही, कोई बात नहीं, हो सकता है कि उस समय में स्त्रियों को पढ़ाने की क्या नहीं हो, जरूरत नहीं हो, लेकिन अब तो है। समय को जिस प्रकार समय बदल गया, हमारी सोच को भी बदलना चाहिए कि आज स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत है। तो हमने जिस प्रकार से सैकड़ों नियम, आदेश और प्रणालियों को तोड़ दिया, उनको क्यों तोड़ा, उनको भी नहीं तोड़ना चाहिए था। तो जिस प्रकार हमने सैकड़ों पुराने नियम छोड़े हैं, आदेशों का उल्लंघन कर दिया है, आदेशों को परिवर्तित कर दिया है, प्रणालियों को तोड़ दिया है, तो क्यों न इस पुराने चाल को, इस पुरानी बात को भी हम बदलें। यानी बार बार कहा जाता है कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, इसको भी हमें परिवर्तित करना चाहिए। तो मान ले हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है, तो हम चलिए स्त्रियों को अनपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। ये जो पुरानी चाल चली आ रही है, बार बार विरोधी यही कहते हैं कि प्राचीन जमाने में स्त्री लिखी पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, तो आज भी नहीं पढ़ाना चाहिए, इसे भी हमें छोड़ना होगा, इसे भी हमें चेंज करना होगा। हमारी प्रार्थना तो यही है कि स्त्री शिक्षा की विपक्षियों को क्षण भर के लिए, थोड़े से समय के लिए इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ क्या थी, अनपढ़ थी। ठीक है, यानी पल भर के लिए भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे प्राचीन समय में सभी स्त्रियाँ क्या थी, अनपढ़ थी। कहने का मतलब है कि प्राचीन जमाने में स्त्रियाँ क्या हुआ करती थी, पढ़ी लिखी हुआ करती थी। आगे हम बात करें और उदाहरणों के माध्यम से, जो विरोधी या जो लोग प्राचीन जमाने की स्त्रियों के उदाहरण मांगते हैं, पढ़ी लिखी होने के सबूत मांगते हैं, तो उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। द्विवेदी जी कहते हैं कि उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंध के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ लेना चाहिए। कि जो श्रीमद् भागवत है, ग्रंथ है, उसके दशम स्कंध, ये कोई उसका भाग है, उसके उत्तरार्ध का मतलब बाद का 53वां संख्या, उसका नंबर है 53वां अध्याय पढ़ लेना चाहिए। उसमें किसका बखान है, उसमें क्या है, उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। किसकी कथा है, रुक्मणी हरण की, कि जिस प्रकार से रुक्मणी का विवाह किसी और से किया जाने वाला था, लेकिन वह अंतर्यामी श्री कृष्ण से प्रेम किया करती थी, अनन्य प्रेम था, और एकांत में जाकर उसने अपनी भाषा में, उस जमाने की भाषा में एक लंबा चौड़ा एक पत्र लिख डाला, और एक ब्राह्मण के हाथों, एक दूत के हाथों, संदेशवाहक के हाथों उस पत्र को, उस संदेश को भेज दिया। तो वो कथा हमें पढ़नी चाहिए, किनको, जिन जो लोग स्त्री शिक्षा के क्या मांगते हैं, उदाहरण मांगते हैं, सबूत मांगते हैं। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। कथा का अर्थ क्या होता है, कहानी। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा एकांत में अकेले में लिखकर, यानी लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में नहीं था, या व्यंग्यात्मक शैली, अर्थात कहने का मतलब वो भी किस में था, प्राकृत में ही था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं है। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य, विद्वता, जो कला कौशल दिखाया है, वह उसके अनपढ़ और अल्पज्ञ, यानी कम ज्ञान होने का, या गंवारपन, अनपढ़ होने का क्या नहीं है, सूचक नहीं है। व्यंग्यात्मक शैली, बार व्यंग्यात्मक शैली का अर्थ कुछ अलग निकलता है, उल्टा अर्थ निकलता है, व्यंग भरी बातें होती है। तो इस प्रकार से आज जो पढ़ाया, इसको आप अच्छे से एक बार इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, अर्थ ग्रहण करेंगे कठिन शब्दों के साथ, ठीक है। इसके आगे का जो भी है शेष पाठ, वो आपको अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।